हम लोग बेसिक इंट्रीगेशन के टॉपिक को कंप्लीट करके आ गए हैं, यानी कि ऐसे इंट्रीगेशंस जिनमें केवल सूत्र का प्रयोग करना होता है या जो फंक्शन दिया होता है जिसका हम इंट्रीगेशन कर रहे हैं उसको सूत्र में या फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होता है, ऐसे प्रश्नों को हम करके आ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इंट्रीगेशन में, और इंट्रीगेशन अब शुरू कर रहे हैं हम लोग प्रतिस्थापन के द्वारा, यानी कि इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब प्रश्न ये उठता है कि इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे, क्या देख के करेंगे, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इंट्रीगेशन जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से करेंगे तो आपको केवल जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ही देखकर काम शुरू करना है कि प्रतिस्थापन क्या होगा। ठीक है, ओके, आपको प्रश्न में ही दिया हुआ होगा कि ये रखने से ये हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि आपको करना क्या है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले मैं इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। बेसिकली इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर आप कोई इंट्रीगेशन कर रहे हैं, इंट्रीगेशन एफ एक्स डी एक्स, और इस इंट्रीगेशन में अगर आप x की जगह पर कोई प्रतिस्थापन करते हैं, मान लीजिए कि आपने x बराबर 5t लिखा, पर ऐसा करने से ये इंट्रीगेशन f phi t और phi dash t या phi dash x, phi dash t dt, मतलब पूरा का पूरा इंट्रीगेशन t में कन्वर्ट हो गया है। और जब आप x की जगह पर ये प्रतिस्थापन करते हैं तो एक और अलग से एक फंक्शन बन जाता है phi dash t, ठीक है ना। तो आप इस स्थिति में प्रतिस्थापन कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लीजिए कि आपको एक इंट्रीगेशन दिया हुआ है x साइन एक्स स्क्वायर dx, आपको इस फंक्शन को इंट्रीगेट करना है। ठीक है ना, आपको इस बात का ध्यान देना है जब आप प्रतिस्थापन से किसी भी प्रश्न को करेंगे कि क्या इस क्वेश्चन में कोई एक ऐसी फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट कर दो तो जो डिफरेंशिएशन के बाद आएगा वो भी इसी में ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब किसी फंक्शन को अगर आप चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उसका डेरिवेटिव भी, यानी कि उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो भी इसी में ही होगा। अगर ऐसा है तो प्रतिस्थापन की विधि को अपनाया जा सकता है। जैसे अगर इस प्रश्न में हम एक्स स्क्वायर को क्या मान लें, टी, क्या मान लें, टी मान लें, और फिर इस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी को हम दोनों ओर क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें मिलेगा 2x dx by dt is equals to 1। हमने ये t के सापेक्ष अवकलन किया है। किसके सापेक्ष किया है? t के सापेक्ष। तो ऐसा करने से जरा देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 2x dx बराबर में dt, और हम लोग इसको लिख सकते हैं x dx बराबर dt upon 2। तो जरा ध्यान दो कि जब हम x square बराबर t मानते हैं तो x dx का मान कितना आ जाता है, dt upon 2। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस x और इस dx को प्रतिस्थापित कर देंगे किससे, dt upon 2 से। मतलब ये हुआ कि अगर x square को t माना जाता है तो x और dx अपने आप ही क्या बन जाएगा, dt upon 2 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप x square की जगह पर t लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पूरे के पूरे प्रश्न को आप t में कन्वर्ट करने वाले हैं, और अगर t में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इस x को भी हटाना पड़ेगा और इस dx को भी हटाना पड़ेगा, और x और dx हटके फिर dt के रूप में बदलेंगे, है ना। और हमने x square को ही इसलिए t माना क्योंकि हमें पता था कि x square को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो x आ जाता है ना। कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जो 2 आया वो हमारे लिए परेशानी का सबब नहीं है। ठीक है, हमें केवल x चाहिए था, तो हमें x मिल रहा था और dx भी मिल रहा था, तो ऐसा करने से x और dx dt में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हम प्रतिस्थापन विधि से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से कर सकते हैं। हर वो प्रश्न जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, आपको केवल उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि मैं किसे टी मानूं
जिससे कि जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास वो चीज आ जाए जो प्रश्न में ही दी हुई है मुझे, और मेरा प्रश्न आसान हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना? ऐसा करने से जो आपके पास में बचेगा वो एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा जिस पर आप आसानी से इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला लगा पाओगे। एवरीवन अंडरस्टैंड? ठीक है। प्रश्न में ही, क्वेश्चन में ही आपको किसी चीज को टी मानना है, या जो भी आप मानेंगे, टी मानेंगे, वाई मानेंगे, कुछ भी मानेंगे, पी मानेंगे, जेड मानेंगे, और जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी आने वाला है डिफरेंशिएशन के बाद वो भी प्रश्न में ही होगा, वो कहीं और नहीं होगा, प्रश्न में ही होगा, और dx के साथ में आएगा वो भी। तो वो dx और वो जो चीज है डिफरेंशिएशन करने के बाद वो पूरी dt में बदल जाएगी, और जिसको आपने t माना है वो तो अपने आप t में बदलेगा ही बदलेगा। बात समझ में आई सभी को? समझ में हो? तो ये है प्रतिस्थापन, ठीक है ना? आपको दो तरह के प्रतिस्थापन वाले प्रश्न मिलेंगे। बी एक्सरसाइज भी प्रतिस्थापन से ही है और सी एक्सरसाइज भी प्रतिस्थापन से ही है। बी एक्सरसाइज में किसी एक पद को, किसी एक फंक्शन को आप जब टी मानेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, यानी कि जो भी है फिर उसमें डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आएगा वो प्रतिस्थापित होकर प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। सी एक्सरसाइज में किसी एक पद को टी नहीं मानना है, किसी पूरे के पूरे टर्म को टी मानना पड़ेगा। मतलब जैसे इसमें आपने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, अगली एक्सरसाइज में यानी कि सी एक्सरसाइज में आपको हो सकता है इस एक्स स्क्वायर के साथ में ऐसा भी मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट में, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू को पूरे को मानेंगे हम टी, तो उससे ये एक्स डीएक्स डीटी बन के चला जाएगा, क्योंकि फंक्शन के साथ में अगर कांस्टेंट है और उसको आप टी मानते हो तो डिफरेंशिएशन के बाद वो कांस्टेंट जीरो हो जाता है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न आपको सी एक्सरसाइज में मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही प्रश्नावलियां किसके ऊपर आधारित हैं? प्रतिस्थापन के ऊपर आधारित है। अब जैसे हमने ये प्रश्न शुरू किया था, हमने इसमें एक्स स्क्वायर बराबर टी माना। जब भी आप किसी चीज को सब्सिट्यूट करेंगे, आपने एक्स स्क्वायर को अगर टी माना है तो फिर दोनों डिफरेंशिएट करना है आपको, किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष, जो भी आप मानेंगे उसके सापेक्ष करेंगे। तो 2 एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, फिर क्योंकि आप t के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का भी फलन के फलन से डिफरेंशिएशन होगा, इसलिए dx by dt आया, बराबर में t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। dt को आप इस तरफ ले गए, आपको मिल गया 2x dx बराबर dt, है ना? आपकी जरूरत क्या थी? आपकी जरूरत थी कि मुझे तो x और dx चाहिए बस केवल, तो आपने x dx को साथ में रखा, 2 को भी डिवाइड में ले गए, तो x dx का मान कितना आ गया? dt अपॉन 2 आ गया। तो ऐसा करने के बाद ये जो इंटीग्रेशन है, देयरफॉर इंटीग्रेशन x sin x स्क्वायर dx कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, sin x स्क्वायर इंटू x dx, एंड दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin t और x dx की जगह dt अपॉन 2। ध्यान दी ना, पूरा का पूरा प्रश्न आपको t में बदलना है। अब x जैसी कोई चीज नहीं रहेगी अब प्रश्न में, अगर आपने प्रतिस्थापन कर दिया है तो 2 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो, तो आपके पास बचेगा sin t dt। अब sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में? माइनस cos t, तो आपके पास में आ जाएगा बच्चों 1/2 माइनस cos t। बात समझ में आई? अब आपका जो प्रश्न था वो तो x में था, t में थोड़े ना था, तो आपको आंसर भी फिर किस में लाना है? x में। तो जो आपने शुरुआत में t को माना था वो वापस यहां पे लिख दीजिए इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 cos x स्क्वायर, क्योंकि आपने t को क्या माना था? x स्क्वायर माना था। क्या आपको ये चीज समझ में आई? चलिए मैं एक प्रश्न और लेता हूं बच्चों, जरा इस प्रश्न के ऊपर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में लिखा हुआ है यस इंटीग्रेशन e to the power 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको इस प्रश्न को, इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, है ना? इसे जरा ध्यान से देखो, क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि इस प्रश्न में हम किसे t मान लें ताकि बाकी बची हुई चीज dt बन के चली जाए? 10 इनवर्स x। क्यों 10 इनवर्स x को क्यों मानेंगे?
एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और डीएक्स भी आएगा, तो डीएक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा डीटी बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा, यहाँ पे डीटी आ जाएगा और ये e की पावर टी बन जाएगा। और e की पावर टी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं टी के रिस्पेक्ट में क्या होता है रोहित, e टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन e टू दी पावर टी ही रहेगा। ओके, तो इस प्रश्न में आपने क्या देखकर टेन इनवर्स को टी माना है, ये अपॉन में जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्योंकि टेन इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है और dx तो आएगा ही आएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन से, राइट। तो हम इस प्रश्न में मानेंगे माना टेन इनवर्स x बराबर t, तो जब दोनों ओर आप डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बाय dt इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में dt। और ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको आप फिर ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर tan इनवर्स x इनटू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, डिवाइड में आप dx के नीचे लिखें चाहे e की पावर tan इनवर्स x के नीचे लिखें, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, क्योंकि आपने tan इनवर्स x को t माना है, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस में बदल गया dt। और जैसा कि आपने बताया था कि e की पावर t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर t ही होगा, तो ये एज इट इज प्लस c, हम भूल गए यहां पर भी भूल गए थे, तो प्लस c यहां पर भी लगाइए, एंड दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर, अब t की वैल्यू वापस tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। आसान है इन प्रश्नों के ऊपर जरा नजर दौड़ाइए बच्चों, आप लोग हो सकता है कि इन प्रश्नों को कुछ बच्चों ने कर लिया हो, जिन्होंने नहीं किया है वो लोग समझिए, है ना, ध्यान दीजिएगा, आपके पास में ये सब प्रश्न है कुल, है ना, इनको हम लोग लेंगे एक बार में, तो पहले इनको समझ लीजिए देन इसके बाद में आगे प्रोसीड करिएगा। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि आपको केवल ये समझना सीखना है, प्रश्नों को हल करने के चक्कर में मत रहिए, विधि को समझिए, प्रोसेस क्या है, टेक्निक क्या है, क्योंकि वो समझ जाओगे तो दो एक्सरसाइज खत्म होंगी, और अगर क्वेश्चन को समझोगे तो अगले क्वेश्चन में फिर अटकोगे, फिर अगले में अटकोगे, फिर अगले में अटकोगे, और इतनी जगह अटकोगे कि कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अटकना नहीं है, समझना है अपने को। इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखो, इस प्रश्न में आप किसे टी माने कि बाकी बची हुई चीजें डीटी बन के निकल जाएं, आप खुद देखो कि अगर आप e की पावर x को इस प्रश्न में जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इसमें e टू दी पावर x को t मानोगे तो e की पावर x dx बराबर हो जाएगा dt, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करोगे e की पावर x का वही dx आएगा और dt उधर चला जाएगा, dt आ गया। अब हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, बार बार ये नहीं लिखेंगे dx अपॉन dt, क्योंकि हम जानते हैं कि dx अपॉन dt आएगा, उधर जाके dt बन जाएगा वो भी, तो आपके पास में ये आएगा। अब जरा ध्यान दो कि ये e टू दी पावर x और dx, ये e टू दी पावर x और dx अपने आप ही क्या बन जाएगा dt, तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये आपका इंटीग्रेशन ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन e टू दी सॉरी इंटीग्रेशन cos t dt, बोलो हाँ या ना, यस, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos t, इट इज sin t प्लस c, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, e टू दी पावर x, आंसर ये आ गया sin e टू दी पावर x प्लस c, है कुछ इसमें डिफिकल्ट, कुछ नहीं है, समझना है बस, तरीके से करना है, ओके okay? जब आप मान लेंगे तो आपको फिर ये प्रश्न लिखना है और फिर इसमें प्रतिस्थापन करके लिखना है, ये चीज मैंने यहां डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है। इस प्रश्न को जरा देखो, इस प्रश्न में आप किसे टी मानो ताकि बची हुई चीज dx dt बन के निकल जाए, इट्स वेरी इजी, एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब को मानोगे तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर डीएक्स डीटी बन के चला जाएगा। तो इस प्रश्न में आपको क्या मानना है, एक्स क्यूब को टी मानना है, तो ऐसा करने से थ्री एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर कितना आ जाएगा डीटी आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी जरूरत कितनी है एक्स स्क्वायर और डीएक्स की, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स को तो यही रहने दो, तीन को इसके बटे में लिए जाओ, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर कितना आ जाएगा डीटी अपॉन
3. तो ये जो इंट्रीगेशन है तुम्हारा, ये इंट्रीगेशन बदल जाएगा अब ऐसा, e टू दी पावर t dt अपॉन, सॉरी dt अपॉन 3, है ना, x स्क्वायर dx की जगह dt अपॉन 3. समझ में आ रहा है राजेंद्र तुम्हें? ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 को बाहर करो, इट इज e टू दी पावर t dt, 1 अपॉन 3 e टू दी पावर t का इंट्रीगेशन. जल्दी बताओ सर, x स्क्वायर 3x स्क्वायर, इट्स अ e टू दी पावर t प्लस c, तो 1 अपॉन 3 e टू दी पावर x क्यूब प्लस c, ये आपका आंसर है. ठीक है, क्या लगता है इस वाले प्रश्न में किसे मानना चाहिए t? सर x, x की पावर n को क्यों मानेंगे सर? उससे x की पावर n माइनस 1 और dx आ जाएगा, क्योंकि x की पावर n को जब t मानेंगे और उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर n माइनस 1 आएगा और dx भी आएगा, और जो पावर में आगे n आएगा उसको अपन dt के अपॉन में लिए जाएंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसको तो इधर उधर कहीं पे भी कर देंगे अपन. मेन हमें x की पावर n और dx, x की पावर n माइनस 1 और dx को हटाना था, वो हट जाएगा आसानी से, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है अपने को यहाँ पे. इस प्रश्न में तुम्हें क्या लगता है किसे मानना चाहिए t? log x, उससे क्या फायदा होगा सर? log x बराबर x से ज्यादा. यस, अगर log x को मानेंगे तो 1 अपॉन x आएगा, yes, और dx तो है ही ऊपर, तो ये पूरा का पूरा dt बन जाएगा. तो इस प्रश्न में t बराबर आप मानेंगे log x, तो log x को जब मानेंगे तो log x को मानेंगे आप t, तो आपको 1 अपॉन x dx बराबर कितना मिल जाएगा? dt. तो जब आप 1 अपॉन x dx को dt लिख देंगे तो आपका ये प्रश्न जो है ऐसा बन जाएगा, e की पावर t dt, हाँ या ना? क्योंकि पूरा का पूरा dx अपॉन x क्या बन गया? dt बन गया. तो दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर t प्लस c, और e टू दी पावर फिर log x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया. खत्म प्रश्न. ये सब लॉलीपॉप है, सब लॉलीपॉप है. एक को मानोगे अपने आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. पूरी की पूरी एक्सरसाइज ऐसी है, बस सही चीज को टी मानना है. ठीक है, और उसके लिए समझ विकसित करो. ठीक है, इस वाले प्रश्न में क्या लगता है किसे मान लेना चाहिए? टेन इनवर्स एक्स को. इस प्रश्न में अगर हम टेन इनवर्स एक्स को टी मान ले तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब डिफरेंशिएशन करेंगे dx आएगा इज इक्वल्स टू में dt आ जाएगा. तो ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा? dt बन जाएगा. और ये जो प्रश्न है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इट्स अ इंट्रीगेशन साइन इनवर्स, टेन इनवर्स x की जगह क्या लिख दूं? t, हाँ या ना? अच्छा ये साइन था, केवल साइन इनवर्स नहीं था, सॉरी. तो इट्स अ साइन t, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया? dt बन गया पूरा का पूरा. आ रहा है समझ में? सो दिस इज इक्वल्स टू साइन t का इंट्रीगेशन माइनस cos t प्लस c, एंड दिस इज माइनस cos, व्हाट इज t? टेन इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया. खत्म. ठीक है, इस प्रश्न को देख के क्या लगता है इसमें क्या मानना चाहिए, तुम बताओ किसको माने टी, उससे क्या होगा? और dx आ जाएगा, है ना? dx नीचे नहीं आता, ऊपर ही रहेगा हमेशा. तो ये dx अपॉन x क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा. तो अपना प्रश्न क्या बन जाएगा फिर? इंट्रीगेशन cos t dt, cos t का sin t प्लस c, t की जगह वापस आप रख दीजिएगा log x, आपका आंसर आ जाएगा cos log x प्लस c. खत्म. नोट कर लीजिए. चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपन लोग इस प्रश्न से, है ना? इस प्रश्न में जरा ध्यान से देखो कि आप किसको t मानो तो dx बनाने में, सॉरी dt बनाने में आपको मदद मिलेगी. तो ध्यान देना कि अगर अपन sin x को t मानेंगे तो cos x dx अपने आप ही dt बन जाएगा. तो इस वाले प्रश्न में हमें क्या करना है, हमें sin x को t मानना है. तो ऑटोमेटिकली sin x का डेरिवेटिव
cos x और dx साथ में बराबर में dt आएगा, राइट? मतलब cos x और cos x dx dt बन जाएगा। तो ये प्रश्न कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। पर इसके बाद therefore इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx बराबर इंटीग्रेशन cos x dx dt बन गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन x को आपने t माना था तो ये बन जाएगा t स्क्वायर और 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है इट इज tan इनवर्स t प्लस c तो इट इज tan इनवर्स t को क्या माना था आपने ये आंसर आ गया बात समझ में आई इस प्रश्न में तुम्हें क्या लगता है किसको मैं मान लूं t ताकि बाकी चीज dt बन जाए उससे क्या होगा एग्जैक्टली क्योंकि ये डेरिवेटिव होता है cos इनवर्स x के डेरिवेटिव में आता है डिफरेंशिएशन में आता है तो इस वाले प्रश्न में हम माना cos इनवर्स x बराबर t तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और dx बराबर dt ठीक तो ये प्रश्न जो है ये प्रश्न बदल जाएगा दिस इंटीग्रेशन e टू दी पावर cos इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx बदल जाएगा किसमें इंटीग्रेशन e टू दी पावर t अपॉन कुछ गलती हुई है ना cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस क्योंकि हमें तो सारी चीजें प्लस में चाहिए ना तो एक काम करते हैं ये माइनस उठा के डी टी के साथ लगा देते हैं तो ये e की पावर टी और डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस डी टी एंड दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस आगे लाओ e टू दी पावर t dt और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e टू दी पावर t प्लस c माइनस एज इट इज लगा रहा और t की वैल्यू क्या थी आंसर आ गया आसान है कुछ है इसमें ऐसा जो ना समझने लायक हो कुछ नहीं करना है मानना है जो चीज बदल जाएगी dt में उसको हटा के फिर dt लिख देना है और फिर जो आपके सामने आएगा उसका इंटीग्रेशन आपको आता होगा अब जैसे अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में जो बदला जा सकता है जैसे कि यहां पर यह चीज बदल सकती थी इसको मानने से अब यहां पर सोचो कि मैं क्या ऐसा मानूं कि ये dx के साथ में कोई चीज बदल जाए तो ध्यान दो यहां पर कि ये 1 अपॉन साइन रेस्ट टू दी पावर 4x है इसको अगर मैं t मानूं या इस पूरे को t मान लूं तो ऊपर वाली चीज dx नहीं आएगा तो मैं क्या मानूं तो इस प्रश्न में अगर हम साइन स्क्वायर x को अगर t मान लें किसको तो देखो साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करो तो पहले 2 आगे आएगा साइन x एज इट इज एक पावर कम फंक्शन ऑफ फंक्शन से साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x साथ में dx और बराबर में dt अब जरा ध्यान दो कि ये जो sin x cos x है dx है ये sin x cos x और dx है इसकी जगह पर तुम क्या लिख सकते हो dt अपॉन 2 हाँ या ना राइट तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न फिर बदल जाएगा therefore इंटीग्रेशन sin x cos x अपॉन 1 प्लस साइन की पावर 4x dx इंटीग्रेशन इसकी जगह पर अपन लोग dt अपॉन 2 लिखेंगे तो अपन ये यहां लिख देते हैं dt अपॉन 2 1 अपॉन अब इसको चेंज करते हैं 1 प्लस अब ये देखो कितनी पावर है ये साइन की पावर 4 तो साइन स्क्वायर सॉरी साइन की पावर 4x को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं राइट तो मतलब हम यहां पर स्क्वायर को अपन ने टी माना है टी स्क्वायर बन जाएगा ये क्योंकि आपने साइन स्क्वायर एक्स को टी माना है तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा हाँ या ना राइट ये लिख लेना बगल में हिंट में ताकि दिमाग में रहे कि ये टी स्क्वायर क्यों बन गया अब ये टू को तो बाहर कर दो वन अपॉन टू इंटीग्रेशन
dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर. अब बताओ इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन इट्स अ टेन इनवर्स टी प्लस सी इट्स अ वन बाय टू टेन इनवर्स टी. किसको माना था? साइन स्क्वायर एक्स को. तो यहां पर लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी. खत्म. बात समझ में आई? अब नोट कर लो इनको चाहो तो तुम. इस चौथे प्रश्न में देखो बेटा करना क्या है. रोहित और आदित्य, अगर तुम लॉग एक्स को टी मान लोगे तो स्क्वायर रूट ये करने वर्गमूल के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा. इसका डिफरेंशिएशन होता है क्योंकि. और अगर लॉग एक्स को टी मानोगे तो ये डी एक्स अपॉन एक्स डी टी बन जाएगा. तो इस वाले प्रश्न में मानना है, माना लॉग एक्स बराबर टी. तो जब दोनों डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग एक्स का होगा पहले वन अपॉन एक्स और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से डी एक्स बराबर डी टी. तो तुम्हारे पास डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? डी टी आ गई. अब इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखो. सो देयरफॉर इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स बराबर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटी, वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स. बोलो हाँ या ना? कहीं क्या ना डिवाइड में एक्स था उसको हमने डी एक्स के नीचे लिख दिया. दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब जरा ध्यान देना, वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस लॉग एक्स को क्या माना है हमने, तो ये टी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स क्या बन गया? डी टी. पूरा प्रश्न डी टी में बदल दिया, टी में बदल दिया मतलब. एंड दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स टी है तो t प्लस सी. एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना? साइन इनवर्स t को क्या माना था आपने? लॉग एक्स. लॉग एक्स लिख दो प्लस सी. खत्म. आंसर आ गया. कोई दिक्कत? ठीक है. अब इस प्रश्न में देखो लास्ट वाले. इस प्रश्न में तुम क्या मान लो t ताकि बाकी चीजें dt बन जाए. तो अगर इसमें हम 10x क्यूब को t मान लें तो 10x क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिवाइड में 1 प्लस x की घात 6 आएगा. क्यों? क्योंकि 10, तेरा ध्यान देना, इस प्रश्न में हमें मानना क्या है? इस प्रश्न में तुम मानना 10 इनवर्स x क्यूब को t. ठीक. तो जब डिफरेंशिएशन करोगे दोनों ओर तो ये देखो क्या आएगा. आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओ उसके लिए आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएशन करना आना जरूरी है और साथ ही टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भी पता होना चाहिए. अब मुझे ये बताओ कि डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. अब अगर यहां पर एक्स क्यूब है तो फिर यहां पर एक्स क्यूब की घात 2 हो जाएगी ना, पूरे की पावर 2 हो जाएगी और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से एक्स क्यूब का भी डिफरेंशिएशन होगा. यही होता है ना फंक्शन ऑफ फंक्शन. यानी कि जब डी बाय डी एक्स करेंगे, ये डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों ओर, तो ये आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब रेस टू दी पावर 2 और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से एक्स क्यूब का भी डिफरेंशिएशन होगा तो 3x स्क्वायर dx बराबर में. तुम्हारी जरूरत क्या है? तुम्हें चाहिए एक्स स्क्वायर dx अपॉन में इतना, तो तुम बाकी चीजों को हटा दोगे और इतना लिख दोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की घात 6 बराबर में डी टी अपॉन 3. मेरी बात समझ में आई? तो देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम ये पूरा का पूरा डी टी अपॉन 3 लिख देंगे. यानी इस प्रश्न को हम अब ऐसे लिखेंगे पहले अपनी सुविधा अनुसार. कैसे? टेन इनवर्स एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की घात 6. वन प्लस एक्स की घात 6. कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना. ये गुणा में है अभी भी, ऊपर है ऊपर है, ये बाकी नीचे. तो देखो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? इधर देखो क्या बन जाएगा? डी टी अपॉन 3. और ये 10 इनवर्स एक्स क्यूब पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? तुमने टी माना था. तो यही प्रश्न तुम्हारा ऐसा बन जाएगा. इसकी जगह पर लिख दोगे तुम टी
और ये पूरा का पूरा बन जाएगा डी टी, और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, है ना। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या माना था तुमने, तो आंसर आएगा टेन इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन में टू प्लस सी। ये आंसर है, खत्म प्रश्न। सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, डीप में जाके सोचना पड़ेगा, और वो सोच तब पाओगे जब डिफरेंशिएशन बहुत मजबूत होगा, क्योंकि जो आप मानोगे वो मन में फटाफट डिफरेंशिएट होकर आंसर आपके सामने दिखना चाहिए, और उसके लिए डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना।